कि सारे शायर वीरां दा सारे शायर वीरां नूं प्रणाम करां। आवे दरवाजा बंद कर दो, कैन यू क्लोज दैट डोर प्लीज। पंजाबी चंगी लगती है। सारे शायर वीरां नूं प्रणाम मेरा, होया सांझा नाल जिन्हां दे जाम मेरा, गा के जिन्हां दे गीतां गजलां नज़मां नूं, होया दुनिया भर दे विच है नाम मेरा। और उन्हां विचों मेरे अजीज दोस्त ने चमन जी और साथी जी, जिन्हां दा कलाम मैं गाया और होर बहुत सारे शायरां नूं गाया, किन्ने 62 साल हो गए मैनूं, 63 साल मेरी जिंदगी दे। मैं अपने आप में कभी नहीं कहता, पर मैं बड़ा फख्र है। मेरिया दो चीज़ा थोड़े सामने पेश करांगा मैं। अच्छा। बड़ा कुछ लिखा मैं, पर कभी मैं क्लेम नहीं किया कि मैं शायर हाँ, क्योंकि मैं अच्छे शायरी का मैं शौक है, अच्छी शायरी। मेरे दसमेश असी भुले उपकार तेरे, साड़ी ए नदानी सानू इंज नहीं सी चाहिदा। नवी तहजीब विच डुबियां जवानियां ने रही ना कसर लिया रस्ता तबाही दा। तेरे जिहा तू ही सी नहीं दूसरा जहान उते, फड़े हथ जेड़ा एक भुले हुए राही दा। भुलियां नू सीधे राहे पा जा मेरे प्रीतमा जी, हो जाए एहसास सानू दिलां दी स्याही दा। देश दे जवानों अते खालसे दे पहरेदारो, जेड़े साडे पहरेदार असीं बैठे आ उन्हां नू चाहीदा है। देश दे जवानों अते खालसे दे पहरेदारो, करो दसमेश जी दे निशना दी राखी। टुंबण जवानियां नू इसे तरह हर साल खालसे दी याद लैके आउंदी है विसाखी, खालसे दी याद लैके आई है विसाखी। आखिरी बोल के वो मैं शायद कोशिश करूंगा तरनम दे विच। आई हैड अ वेरी डेलीकेट ऑपरेशन, आज पहली बार मैं आया, वो भी साथी जी दे मेरा बड़े अजीज दोस्त ने, बहुत ने, और इस करके मैं थोड़े भी शामिल हाँ। मैं एक नेचुरलिस्ट हाँ जी। कुदरत गुरु नानक साहब ने जिदा कुदरत नूं देखिया ना, वो मैनू उहदा बड़ा एहतराम है। मालिक तू ही है वसदा हर जी दे सावंदर, मालिक तू ही है वसदा हर जी दे सावंदर। तेरा ही जलवा दिसे गमियां ते चावां अंदर, तेरा ही जलवा दिसे गमियां ते चावां अंदर। गीता कुरान विच वे, पूजा अजान विच वे, गीता कुरान विच वे, पूजा अजान विच वे, फुलां दी शान विच वे, बुलबुल दी तान विच वे। रमिया है हर जगह तू, रमिया है हर जगह तू, धुप्पां ते छावां अंदर। तेरा ही जलवा दिसे चौहां दिशावां अंदर, मालिक तू ही है वसदा हर जी दे सावां अंदर। दूसरा बंद है जी। मक्के जहूर तेरा, काशी च नूर तेरा, मक्के जहूर तेरा, काशी च नूर तेरा, दिल विच फतूर तेरा, नैनी सरूर तेरा, अंबर दे तारियां विच, अंबर दे तारियां विच, निमियां हवावां अंदर। तेरा ही जलवा दिसे गमियां ते चावां अंदर। आखिरी बंद है जी। बेनाम है
बेनाम है तू, बेनाम नाम है तू, बेनाम नाम है तू, एक लाभ काम है तू, नानक ते राम है तू, ईसा ते शाम है तू, वसे तू पर्वतां ते, वसे तू पर्वतां ते, नदियां दे राम अंदर, तेरा ही जलवा दिसे, चौहां दिशावां अंदर, मालिक तू ही है वसदा, हर जी दे सामा अंदर, तेरा ही जलवा दिसे, गमियां ते चावां अंदर। एके हे दर्द नी माए, एके ही पीड़ नी पैने, एके हे दर्द नी माए, एके ही पीड़ नी पैने, मिले जो जन्म तो सानू, पए ने उम्र पर सैने, एके हे दर्द नी माए, एके ही पीड़ नी पैने, मेरे कफन दा मैनू ही जो लिख के मेच दिंदे ने, मेरे कफन दा मैनू ही जो लिख के मेच दिंदे ने, मेरे सुत्या पिया मैनू जो अक्सर बेच दिंदे ने, मेरे सुत्या पिया मैनू जो अक्सर बेच दिंदे ने, ए पौनी सोच ते पुतले मेरे ही शहर रहंदे ने, मेरे गीतां दे मंदिर ते जो बन के काग बैंदे ने, इसेंदे नहीं जदों लिशकन मेरे जज्बात दे गैने, एके हे दर्द नी माए। ते बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, तुसी आए बहुत दूरों दूरों, तुसी आए हो कोविंटन तो, ब्रूरहैम्पटन तो, बर्मिंगम तो, नॉटिंगम तो, ग्रेवसेंड तो, साउथहॉल तो, स्लो तो, रेडिंग तो, हर एक थान से तुसी आए हो, हाउसलो तो भी आए, रेडिंग तो आए, सॉरी हाँ मिडनहेड तो, अपने संधु साहब कई मेनू एहोजे ईमेल आने, उन्होंने कहना जी एक सीडी बनाओ असि खरीदा गे, ओ सिर्फ तुसी हसो, चलो प्यार है जी। तो दोस्तों मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहा, फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी नज़म कहने तो पहला साड़ी जिहड़ी कमेटी एग्जैक्ट कमेटी, यह एक टीम वर्क है, ये किसी कल्ले बंदे का काम नहीं सी, असी सारा ने रल के यह काम किया, जिहड़े दोस्त साड़ी कमेटी विच भी नहीं है मैंबर आ उन्होंने भी साडा पूरा साथ दिता, उन्होंने बहुत बहुत शुक्रिया। तो साड़े जिहड़े कमेटी मैंबर है मनजीत कौर पड्डा आ, तो ये साढ़े एग्जैक्टिव कमेटी के मैंबर ने, इस तरह गुरनाम गरेवाल साढ़ी एग्जैक्टिव कमेटी के मैंबर, इन्होंने साड़ी भरपूर सहायता की, हमेशा अंग संग साढ़े रहे। तो कुलवंत कौर ढिल्लों साड़ी शीज ए स्पैशल कन्वीनर, और इन्होंने बहुत ही काम किया है, तो मेरा पूरी तरह के नाल इन्हें साथ दिता, मनप्रीत बदनी करा साढ़े खजानची है, ये खजानची जोड़े होंगे ये सू बड़े चंगे लगते क्योंकि सब पैसे देंगे इतने खर्च जोड़े साढ़े को होंगे नहीं, एंड अवतार उपर हमी अच्छ आ नहीं सके, उन्होंने बेगम सतविंदर आई हुई है, उन्होंने भी बहुत बहुत धन्यवाद, वो आ नहीं सके, उन्होंने कहीं उधर जाना, एंड होर भी सानू
ਸ਼ਵੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਜਸ ਨੇ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਸ਼ੇਖਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਅਜੇ। ਸ਼ੇਖਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਸਰੂਫ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਯੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਸੈਮੀ ਰਿਟਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਵੇਲ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੱਚ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਦੋ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਗੂੜੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਗੂੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੋ, ਚਮਨ ਜੀ, ਚਮਨ ਲਾਲ ਚਮਨ ਜੀ ਅਤੇ ਦੀਦਾਰ ਪਰਦੇਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਤ੍ਰਿਗੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਛਡਾਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਰੈਫਰੀਜ਼ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਚਮਨ ਲਾਲ ਚਮਨ ਜੀ ਨੂੰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਲਿਸ਼ਕਾਰਾ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਆਉਣ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਚੱਲੀਏ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੋਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਨੋਟ ਫੀਲਿੰਗ ਸੋ ਵੈਲ। ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਚਮਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਮ ਸੁਣ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਪਰਦੇਸੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਸਪਿਟਲ 'ਚ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਪਤਾ ਕਾਹ ਜਿਹੜਾ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਦੈਟਸ ਵੰਡਰਫੁੱਲ ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਪਲੀਜ਼ਡ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ। ਜਸਟ ਵਾਂਟ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਕਿ ਟੂ ਕੈਨ ਐਫ ਯੂ ਮੇਡ ਐਨ ਐਫਰਟ ਟੂ ਸਿੰਗ ਮਾਈ ਦੈਟ ਗਜ਼ਲ, ਸੁਣਨੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਓਕੇ ਦੋਸਤੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਖਾਣਾ ਵੀ ਠੰਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਜ਼ਲ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਕਰ ਗਏ ਦਿਲਦਾਰ ਹਨ ਉਪਕਾਰ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ, ਕਰ ਗਏ ਦਿਲਦਾਰ ਹਨ ਉਪਕਾਰ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਹਨ ਦਿਲਦਾਰ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ, ਕਿ ਕਰ ਗਏ ਦਿਲਦਾਰ ਹਨ ਉਪਕਾਰ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਹਨ ਦਿਲਦਾਰ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ, ਕਿ ਵਕਤ ਦੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਕਿਧਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਗੁੰਮ, ਵਕਤ ਦੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਕਿਧਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਗੁੰਮ, ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਯਾਰ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ, ਕਿ ਵਕਤ ਦੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਕਿਧਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਗੁੰਮ, ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਯਾਰ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ। ਤੋ ਸ਼ੇਰ ਆ ਦੋਸਤੋ ਕਿ ਪੱਕੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੋਸਤੋ, ਪੱਕੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੋਸਤੋ, ਇਕਰਾਰ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਤਕਰਾਰ ਕਿੰਨੇ, ਕਿ ਪੱਕੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੋਸਤੋ, ਇਕਰਾਰ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਤਕਰਾਰ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ ਹਾਦਸੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੇਖਰ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ ਹਾਦਸੇ ਬਹੁਤ, ਇਸ ਲਈ ਹਮ ਨਿਕਲਦੇ ਅਖਬਾਰ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ, ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ ਹਾਦਸੇ ਬਹੁਤ, ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਹਮ ਨਿਕਲਦੇ ਅਖਬਾਰ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ। ਆ ਗਏ ਜਦ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀ ਮਹੋਦਯ, ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਕਿ ਆ ਗਏ ਜਦ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀ ਮਹੋਦਯ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਕਿੰਨੇ, ਕਿ ਆ ਗਏ ਜਦ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀ ਮਹੋਦਯ ਕਿ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ, ਕਿ ਅਗਰ ਮਿਲਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ, ਅਗਰ ਮਿਲਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਰ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ, ਕਿ ਅਗਰ ਮਿਲਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਖਾਰ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ। ਨਿਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਲ ਕਿਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹਵਾ, ਨਿਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਲ ਕਿਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹਵਾ, ਇਸੇ ਲਈ ਹਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ। ਨਿਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਲ ਕਿਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹਵਾ, ਇਸੇ ਲਈ ਹਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ, ਕਿ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਦਮੀ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰੂ ਇੱਕ ਰੋਜ਼, ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਦਮੀ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰੂ ਇੱਕ ਰੋਜ਼, ਇਸੇ ਲਈ ਹਨ ਉਸ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਕਿੰਨੇ।
आदमी नू आदमी ही खत्म करो एक रोज इसे लई हन उस को हथियार किन्ने किन्ने जीवन दी तस्वीर विच भर के अनेक रंग कदे सी जीवन दी तस्वीर विच भर के अनेक रंग तुर गए संसार चो फनकार किन्ने उस दिन मैनू आज दिन मैं शेयर किया मैंने मोहम्मद रफी याद आया वो मोहम्मद रफी ने मैं कहा यार चल गया बंदा है किन्ने बंदे इधर चल गए जमीन खा गई आसमान कैसे कैसे के जीवन दी तस्वीर विच भर के अनेक रंग तुर गए संसार चो फनकार किन्ने किन्ने तो मकता है हर बजम विच उसे दा हुंदा है जिक्र ही खैर हर बजम विच हुंदा है उसे दा हर बजम विच उसे दा हुंदा है जिक्र ही खैर हर जगह लुधियाणवी दे यार किन्ने किन्ने के हर बजम विच उसे दा हुंदा है जिक्र ही खैर हर जगह लुधियाणवी दे यार किन्ने किन्ने ऐ सब तुसी मेरे यार दे दोस्त मोहब्बत करन वाले जो भी अभी तुम याद किया आए हो असं फिर समागम करा मैं उम्मीद है कि पंजाबी साहित्य कला केंद्र तुम फिर बुलाएगी फिर असं पटना बैठा कौंसलर मोटा सिंह जी थैंक यू वेरी मच तुम आए हो अपने जोगिंदर डुलकू साहब और जो सिकंदर उत्तर बैठा वो संधु साहब पुछो ना कुछ भी हो साडे पत्र साहब वो इन्हों तुम याद करते रहेंगे थोड़े पिंड है नौजवान साढ़ा ढिलों रूप ढिलों इतों का जमया पड़ा मुंडा खुदा जी देवता सब इन्होंने सारे पहले शहीद देव की लौड़ मुंडे ने एग्जाम दे के घर पहुंचा घर पहुंचा तो प्यो कहिंदा वह गल सुनो तू पास हो गया नतीजा निकलना सी उदन कहिंदा पापा कहिंदा आगे भजना फेल हो गया मुसलमान फेल हो गया वह कहता मैं तेन पुछता तू पास हो गया कहता पापा सारा पिंड फेल हो गया मैं कहना कहता पास हो जाता मास्टर बारे एक होर है कि वो बच्चे बैठे है तो एक बच्चा कहता आई हैवंट गॉट अ पेंसिल वो मास्टर नूं कहता नॉट आई हैवंट गॉट द पेंसिल आई हैव नॉट गॉट द पेंसिल ही हैज नॉट गॉट द पेंसिल शी हैज नॉट गॉट द पेंसिल दे हैव नॉट गॉट द पेंसिल कहता ब्लडी हेल कहता देयर आर सो मेनी पेंसिल हु गॉट दोस पेंसिल तो दोस्तों ये साडा अज दा प्रोग्राम जिहड़ा मैनूं उम्मीद है कि तुसीं पसंद कीता होएगा तो अगले प्रोग्राम विच असीं होर नवे कवि लेके आवांगे होर किसी थां दे उत्ते शायद अपने स्टूडियो दे विच ही आपां ये प्रोग्राम करिए बहुत बहुत शुक्रिया MA TV नूं वॉच करने लई।